بسم الله الرحمن الرحيم फिर 13 साल मक्के रहे ते फिर मदीने चले गए ते नबी पाक जदों लगभग 50 साल दी उम्र हुई ना उनकी सरकार दी ते आपने ताइफ ते फिर हमला कीता ताइफ वाले लोगों तबलीग की थी तो मंदे नहीं सुनते हुजूर ने उन पत्थर मारे सो दौर भी सी फिर हुजूर 6000 बंदा ले गिरफ्तार करके मदीने ले आए मेरा पुत्र मुस्तफा दे सिपाही लै गए भावे असि काफर है पर पुत्र तो फिर पुत्र ही है ते मेरी सिफारिश नहीं करनी चाची की गल पे करनी है उससे मोहम्मद की गल करने पे आ जेड़ा तेरे नाल निक्के होंदे तुसी उन्हां खड़े भी नहीं आ अगर तेरी सिफारिश मान लवे ते मेरी मेहरबानी कर मेरा पुत्र छुड़ा दे तवज्जो है अम्मा शीमा ने कहा मैं चाची की हालत देखी ना गई ते मैं ऊंटनी ते बैठी ते मैं मक्के मदीने चली गई मदीने चली गई जब मैं उसे गई तो नबी साहबा ने मैंने पूछा बीबी कितों आई है मैं कहा मेरा शीमा है तो मैंने मेरे अपने नबी नाल मैंने मिलाओ अल किस्सा मुख्तसर अजे देर हो रही है हुजूर ना मुलाकात है ते एकदम आपने कहा खुद ही मैं देख लांगे हुजूर जब बाहर आणगे तो मैं मिलांगे हुजूर बाहर निकल के लेंगे इस जात ना मैंने मिलाओ यही मोहम्मद इन्ने अरसे बाद सरकार दे साहबी ने पूछा कि तू किवें पहचाना कि यही मोहम्मद है क्यों बड़ा फर्क पै गया उन्होंने जो मेरे नाल मेरे घरों निकलते सन साढ़े नाल चलते सन उदो बदल साया करता सी अज भी सरकार बाहर निकले तो बदल साया किया हूँ हजूर मैं जल्दी गल मुका छी नबी पाक ने पूछा शीमा किवें आई बस मेरा मिलाद मुकम्मल हो गया शीमा किवें आई है आखन लगी हजूर मेरे इलाके बंदे 6000 फड़ के लाए मैं तो अपना पतरेर अपना कजन जड़ा उन छुड़ाना है उनकी मां की हालत बड़ी अजीब है वेखी नहीं जाती तो मैं सिफारिश करना ही हजूर फरमाया बस उरिया जिथो कैद खड़े ना सारे उन्होंने आखिर पहचान के बस कि उन्होंने जी खड़ा उन्होंने कुछ लिया फिर मैं ये भी लै जा 6000 भी लै जा 300 बकरिया भी लै जा भैन ने टोरिया बड़ी इज्जत नाल कंबली ते बिठाया ते बड़ी मोहब्बत दी सोच ए हलीमा दी बेटी शीमा आई है ते नबी नहीं मोड़ी जे फातिमा आ गई सुनिया कर सोचिया कर ओदा की शान होएगा जो क्यामत ले उस कह छड़े बाबा जानी मैं ए छुड़ाए बगैर नहीं जाना किस्मत आला है तेनू मिल गया सह छुड़ावण वाले घर हो उथे रहम लिथा हो कि सिके हाँ मौला ते बाच घर हो उथे रहम लिथा हो मिलाद असल का सारे मदीने पाक जावन जिधे नबी पाक के कदम हैं ना जड़े बंदे गए ने मदीने पाक उस पास जन्नतुल बकी है उस जन्नतुल बकी जो बीबी फातिमा का मिजार भी है तब दिल का आशिक आंदा भी हुण तेरे में सुभान अल्लाह सुननी है जो ईशा की नमाज हुण पढ़ के तुसीं महफिल शुरू की थी एहो मैं सोच के जावां बकी विच सी नबी आपे म
ਮਨੀ ਪੋਸੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਬਾ ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਬਾ ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ बिलाल नू आखे भी इन छत चढ़ के अज़ान पढ़ उस बिलाल आखे यार सुल्ला मैं किधे मुंह करके अजान पढ़ना जे मैं मदीने होता तो मैं इधर मुंह करदा मैं चढ़दे वाले पास होता तो इधर मुंह करदा लांदे वाले पास होता तो इधर मुंह करदा हुण मैं खड़ा ही छत ते हां हुण मैं की इहनू खोलदा दोबारा तो मैं किधे मुंह करके पढ़ा ते अल्लाह दे हबीब ने फरमाया कि कोई नहीं जगह तो हुण मैं जो खड़ा मेरे वाले मुंह कर जदों काबे दी छत वेखा नजारे याद आ जावा मेरी मेरी हाथ टुकड़ा पैना मेरी मेरी सोचा च हबशी दी मेरे मेरे मौला आजा होवे मौला तैबा च घर होवे ओथे रहवे मौला तैबा च घर होवे ओथे रहवे